बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, आज का हमारा इंग्लिश का लेक्चर क्लास टेंथ के साथ, और हमारा आज का जो टॉपिक है वो है इनर क्वेश्चन। फर्स्ट चैप्टर की ट्रांसलेशन कंप्लीट होने के बाद अब हम करेंगे चैप्टर के इनर क्वेश्चन, और ट्रांसलेशन के बाद आपको पता होना चाहिए कि कौन से क्वेश्चन का कौन सा आंसर है, अगर आपने ध्यान से चैप्टर पढ़ा हो तो। तो सबसे पहला जो क्वेश्चन है, हाउ डिड द रसूल पीस बी अपॉन हिम रिजोल्व द इशू, यानी सबसे पहला जो सवाल है वो हमारा है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मसला किस तरह हल किया था, और वो मसला कौन सा था। ठीक है ना, जो वो मसला हमने अभी जो है पढ़ा था वो यही, ये देखिए इसी पैराग्राफ के अंदर आ रहा है कि ब्लैक स्टोन, रिगार्डिंग द ब्लैक स्टोन, यानी हिजर अस्वद से मुतल्लिक था वो मसला। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसको किस तरह से जो है हल किया, द रसूल पीस बी अपॉन हिम इसका जो आंसर होगा, रिजोल्व द इशू बाय डिवाइसिंग द मोस्ट इक्विटेबल प्लान फॉर सेटिंग ऑफ द ब्लैक स्टोन, यानी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हिजर अस्वद नसब करने के लिए इंतहाई ही मुनफाना मनसूबा वाजिया करके मसला हल कर दिया। और नबी करीम ने क्या किया था कि अपनी चादर मुबारक उतार के उसके ऊपर अपने हाथों से रख दिया था हिजर अस्वद, और तमाम जो कबीले के लोग थे सबको कहा था कि एक एक पल्लू जो है वो पकड़ लें, और इस तरह क्या हुआ कि सारे कबीलों के सरदार हिजर अस्वद को नसब करने की जो मतलब ये पाक रस्म कह लें या आज़ादी जो रस्म थी उसमें शरीक भी हो गए थे, और जो है वो झगड़े से, लड़ाई झगड़े से भी बच गए थे, यानी ये तरीका। और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वो जब उस मकाम पर ले गए तो वो हिजर अस्वद को उठाया, अपने हाथों मुबारक से जो है नसब कर दिया था। तो ये वो तरीकाकार था। अब क्वेश्चन नंबर टू है, व्हाई डिड कुरैश थिंक दैट द रसूल पीस बी अपॉन हिम वुड फेवर देम, यानी जो कुरैश थे वो ये क्यों ख्याल करते थे कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इनकी हमायत करेंगे। अब उन्होंने ये सोचा था कि जो औरत चोरी करने वाली थी ना वो भी बनी कुरैश ही के ख़ानदान थी से ताल्लुक रखती थी, तो शायद उन्होंने ये ख्याल किया था, ये कंसीडर किया था कि ये हमारे उन्हीं का ख़ानदान है, तो वो ख़ानदान की इज्जत बचाने की खातिर मे भी उनको पनिशमेंट ना दें। तो इसका जो आंसर होगा वो ये होगा, द कुरैश थॉट के, कुरैश ने सोचा, थॉट्स ऑफ बिकॉज दैट वुमेन बिलोंग टू द कुरैश फैमिली, के जो औरत थी वो कुरैश ख़ानदान से ताल्लुक रखती थी, एंड दे वॉन्टेड टू सेव द ऑनर ऑफ द कुरैश फैमिली, और वो खान जो क्या चाहते थे कि ख़ानदान की इज्जत बचाना चाहते थे कि हमारी ख़ानदान की इज्जत जो है पामाल ना हो। वो है, वाई डिड द नॉन मुस्लिम्स, वाई डिड द नॉन मुस्लिम्स ट्रस्ट द रसूल पीस बी अपॉन हिम, कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर जो गैर मुस्लिम कौम थी वो क्यों कर भरोसा करते थे, यानी किस लिए। इसका भी हमने पढ़ा था कि जो ज्यूश थे, ज्यूश फैमिलीज थी, तो जो उनका रिलीजन था वो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास जब अपने इश्यूज लेकर आते थे तो नबी पाक उन्हीं के कानून के मुताबिक, उन्हीं के मज़हब के मुताबिक उनके दरमियान फैसला फरमा देते थे। तो यही वो चीज़ थी जो नॉन मुस्लिम को इंस्पायर करती थी कि नबी सल्लल्लाहु, क्योंकि कुरान पाक में है कि दीन में कोई जबर नहीं है, कुरान पाक की सूरा में भी है, ला इकराह फिद्दीन कत्तबैन रुश्दु मिनल गई, के बेशक दीन में कोई जबर नहीं है और हदायत जो है वो गुमराही से अलग हो चुकी है। तो यही वो चीज़ थी जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में पाई जाती थी और नॉन मुस्लिम को इंस्पायर करती थी। तो इसका जो जवाब होगा वो ये होगा, दे ट्रस्टेड हिम फॉर हिज इम्पार्शियल जस्टिस, के वो जो है ना नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गैर जानबदार इंसाफ की वजह से भरोसा करते थे कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किसी की फेवर के बगैर जो है ना उनका मसला हल फरमाते थे। ये नहीं देखा जाता था कि ये मेरा दुश्मन है या ये मेरा दोस्त है, यानी तनफ्फुस के ये भी नहीं देखा जाता था कि ये मुस्लिम है या ये जो नॉन मुस्लिम है। इसी क्वेश्चन से एक छोटी सी हकायत याद आ गई, एक दफ़ा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बैठे हुए थे तो एक जनाजा जा रहा था, तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उठ खड़े हुए, खड़े हो गए अदब से, तो तमाम सहाबा कराम भी खड़े हो गए। तो सहाबा कराम ने नबी पाक से पूछा
कहा कि यार सुल्ला आप क्यों खड़े हुए? कहा कि जनाजा जा रहा था। तो सहाबा कराम ने फरमाया, यार सुल्ला आपको पता है ये तो एक यहूदी का जनाजा था, ये मुसलमान का थोड़ी ना था जो आपने ज़हमत फरमाई। तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, यानी यहाँ पे देखे कि उनके खिलाफ क्या थे नबी गैर मुसलमानों के बारे में। नबी पाक ने फरमाया, बेशक यहूदी का था लेकिन था तो इंसान ना, था तो मुतनफ़िस। तो देखिए ये वो अदब है, ये वो चीज़ है जो कि नॉन मुस्लिम्स को इंस्पायर करती है, लेकिन आज के दौर में ये नहीं है। चलें आगे बढ़ते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट एडवाइस डिड द रसूल पीस बी अपॉन हिम गिव टू हज़रत अली रज़ियल्लाहु अन्हु, यानी हज़रत अली रज़ियल्लाहु अन्हु को रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या नसीहत फरमाई थी? इसका आंसर है, ही एडवाइस हज़रत अली नॉट टू डिसाइड इन फेवर ऑफ वन विदाउट हेयरिंग द आर्गुमेंट्स ऑफ द अदर। यानी नबी पाक ने ये फरमाया था कि जब दो जो है फरीक आपके पास आए तो आप किसी एक फरीक का जो है सुन के ना दलाइल उनके हक में फैसला ना करें जब तक कि आप दोनों के दलाइल ना सुने, और ये इंसाफ से ज़्यादा करीब है कि इससे आपको इंसाफ जो है। और द लास्ट क्वेश्चन, व्हाट डज द वर्ड प्रोक्लेम्ड मीन, मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो है ना ये क्वेश्चन पेपर में बहुत रिपीट हुआ है ये वाला सवाल के प्रोक्लेम का मतलब क्या है। प्रोक्लेम मीन डिक्लेयर्ड और अनाउंस्ड, तो इसका प्रोजेलाइजिंग भी हो सकता है जो है ओपनली जो है प्रीचर प्रीचिंग या जो है ऐलान करना, खुलेआम बता देना, ये जो है प्रोक्लेम दावा कर देना, खुला आम जो है तबलीग करना, प्रचार करना, ये इसका मतलब है। आपके बुक में दो ही मायने हैं, प्रोक्लेम्ड और अनाउंस, ठीक है। इस तरह हमारी शॉर्ट का हमारी ग्लोसरी, आप सोच रहे कि ग्लोसरी कराने पेपर में कैसे आती है, तो बेटा ग्लोसरी में पता है क्या होता है, ये ग्लोसरी उठा के नहीं देते बल्कि वो क्या देते हैं एमसीक्यूज की सूरत में, जिस तरह ये वर्ड दे देते हैं एंसेस्टर। और ये मैं आपको बता दूं कि एंसेस्टर वर्ड बहुत दफ़ा एमसीक्यूज में रिपीट हुआ है एज अ सिनोनिम, सिनोनिम के वर्ड में दे देते हैं ऑब्जेक्टिव में और पूछते हैं इसका रिलेट मीनिंग क्या है। इस तरह डेस्टिट्यूट, इक्वटेबल सेम, तो इसका याद करने का आसान मेथड क्या है कि सबसे पहले जब तक आपको इसके उर्दू मायने नहीं याद होंगे तब तक आपको इसका नहीं पता होगा कि इसका सिनोनिम क्या है। और ज़रूरी नहीं कि जो बुक के अंदर छापा हुआ आप वहीं राइट करें, अगर आपके पास डिक्शनरी की अवेलेबिलिटी है नेट की है तो आप इससे रिलेट सिंपल मीनिंग भी याद कर सकते हो। मैंने इसके आगे जो है रेड बॉल पॉइंट से मेंशन किए हैं, ये जो है इजी वर्ड है, आप ये भी याद कर सकते हैं और बुक वाले भी याद कर सकते हैं। तो अब हम पढ़ते हैं, एंसेस्टर कहते हैं अबाउ जदाद असलाब, हमारे बाप दादा गुजरे हुए, इसका यहाँ बुक में तो है डिस्टेंट रिलेशन समबडी इन डिसेंडेड फॉर्म, लेकिन इसका आप सिंपल कर लें फोर फादर, ठीक है, FORE FATHER, फोर फादर अबाउ जदाद। डेस्टिट्यूट क्या होता है, कंगाल गरीब बहुत ज़्यादा जिसके पास कुछ भी ना हो, विद नो मनी और पोजेशन, यानी जिसके पास अपनी जाति कोई मलकियत भी ना हो और पैसे भी ना हो, ये भी आप कर सकते हैं, या वेरी पोअर, वेरी वेरी पोअर भी कर सकते हैं, सिंपल वेरी पोअर भी कर सकते हैं। इक्वटेबल होता है इंसाफ पसंद, फेयर भी कर सकते हैं और जस्ट भी कर सकते हैं। इसके अलावा है सिम, पुख्ता डेफिनेट, ठीक है, डिटरमाइंड भी कर सकते हैं। फो दुश्मन, अपोनेंट्स भी कर सकते हैं, एन एनिमी सिर्फ, एन एनिमी कर लें अपोनेंट्स भी कर लें, दोनों में से दोनों ही याद करने हैं, एक पे जो है इक्तफा नहीं करना। इंटरसीड कहते हैं सिफारिश करना, ठीक है, इसका आप रेकमेंड कर लें, ये ज़्यादा ईजी होता है रेकमेंड। या फिर टू स्पीक इन फॉर समबॉडी इन्वॉल्व इन अ डिस्प्यूट, यानी जब आप किसी की जो है ना हमायत में बात करें, कोई झगड़े में मुबतला शख्स आप उसकी हमायत में बात करें तो वो जो अमल है वो सिफारिश कहलाता है। मैग्नीट्यूड होता है अजमत वाला, अहमियत वाला, इसका आप ग्रेटनेस कर सकते हैं, ग्लोरी कर सकते हैं, इम्पोर्टेंस भी कर सकते हैं, इफ़ेक्ट भी कर सकते हैं, चार माइनिंग जो हैं जो आपको ईजी लगे। ओ ये होता है कर्जदार होना, ठीक है, मकरूज होना, या किसी का जो आपने कर्ज देना हो, हैव टू गिव समवन अमाउंट ऑफ मनी, ये आप कर सकते हैं, यानी आपने किसी के पैसे देने हो या कुछ रकम देनी हो, या इंडेब्टेड, ये भी आप कर सकते हैं जो इजी लगे। रिवेंज होता है बदला, समथिंग दैट यू डू टू हर्ट और पनिश समवन बिकॉज दे हैव हर्ट यू, यानी ऐसी कोई चीज़ कि जिसने आपको तकलीफ पहुंचाई और बदले में आप जो है उसको तकलीफ दें, या उस शख्स को या उस चीज़ को, ये आप पूरा इतनी बड़ी लाइन तो आप लिखने से रहे या याद करने से रहे, इतने अच्छे तो है नहीं,
लिहाजा आप कर लेंगे रेटिलिएशंस, ठीक है, ये वर्ड रेटिलिएशन, ठीक है। सीक यह होता है हासिल करना, तलाश करना, टू गेट, फाइंड भी कर सकते हैं, टू फाइंड, अकेला फाइंड, या टू फाइंड, या तलाश करना। आज के लेक्चर में इतना ही काफ़ी, यानी इसके जो है ग्लोसरी, इसके उर्दू मीनिंग, इंग्लिश मीनिंग मैक्सिमम दो दो लाजमी आपने करनी है, और इनर क्वेश्चन, ठीक है, अगर कुछ समझ ना आए तो आप क्वेश्चन पूछ भी सकते हैं, और ध्यान से पढ़ना है, आज का काम आज ही करना है। होमवर्क में आप इसके ग्लोसरी करेंगे, ठीक है, ब्लू मार्कर ब्लू पेन यूज़ करना है होम, और नीट एंड क्लीन तरीके से, कटिंग नहीं होनी चाहिए, रिमूवर यूज़ भी नहीं होना चाहिए, और आज का काम आज ही, कल पे पेंडिंग नहीं करना। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।